जहन दोस्तों दो बड़ी खबरें, रियासत के लिए सियासत यानी अग्निवीर का मुद्दा फिर उछाल लिया गया है कि दो अग्निवीर देवलाली रेंज नासिक के अंदर यानी तोप फटने से दो की शहादत हुई। अब उन्हें सरकार क्या देगी नहीं देगी, क्योंकि वो ट्रेनिंग थे, बड़ा सवाल हो गया। और इसी को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता ने फिर सरकार के ऊपर निशाना साधा है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आखिर बन पेंशन का मुद्दा आपका कहां चला गया, इक्वल एमएसपी का मुद्दा कहां चला गया, डिसेबिलिटी पेंशन का मुद्दा कहां चला गया। वन रैंक वन पेंशन की बात करते थे, अब नो रैंक नो पेंशन। ओनली द डिफेंस पीपल वर रिटायर्ड अर्ली, वी रिटायर 85% पीपल ऑफ डिफेंस फोर्सेस रिटायर बिलो 38 इयर्स ऑफ एज। नाउ यू कैन इमेजिन 85%। पुलिस द्वारा सैनिकों के ऊपर बर्बरता, पिटाई, गाली गलौज, ये मुद्दा कहां चला गया। सैनिकों के मान सम्मान का कहां चला गया। सैनिकों के लिए रोजगार का मुद्दा कहां चला गया। आप सिर्फ यानी सियासत कर रहे हो रियासत के लिए। और दूसरी बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, आपने एक चीज जरूर ये वीडियो देखना, बदलू राम का बदन, आखिर ये आसाम रेजिमेंट के सैनिक इस तरीके का गाना क्यों गाते हैं। ये बड़ा अजीब किस्सा है कि आखिर ये बदलू राम एक सैनिक था और बदलू राम का बदन ये जो गाना चलता है असम रेजिमेंट में, इसके पीछे क्या मिस्ट्री है, क्या इतिहास है। हाँ जी दोस्तों, इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। और ये वीडियो की जो झलक देख रहे हैं, आखिर ये कहे क्या रहे हैं अपने इस जोश और खरोश के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा उन अग्निवीरों के लिए और जो कि देवलाली के अंदर फील्ड फायरिंग रेंज में तो पटने से, और आप समझ सकते हो कि नासिक में फायरिंग अभ्यास के दौरान दो अग्निवीरों की मौत। महाराष्ट्र के नासिक आर्टिलरी सेंटर में फायरिंग अभ्यास के दौरान धमाका होने से भारतीय सेना के दो अग्निवीरों की मौत हो गई और मरने वाले अग्निवीर सैनिकों के नाम गोहिल विश्वराज सिंह 20 साल का और सैफत सीत उम्र 21 साल। भारतीय सेना के अधिकारियों ने हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए कोटफनकारी के आदेश दे दिए। अब मैं बात करूंगा माननीय राहुल गांधी की, जो रियासत कर रहे हैं और इनके मुद्दे लोकसभा चुनाव से सैनिकों के लिए अलग एक विंग है, एक राष्ट्रीय विंग है, कर्नल रोहित चौधरी उनके अध्यक्ष हैं, बहुत सारे मुद्दे थे। इन्होंने ओआरओपी पर भी बात किया कि अफसरों को ज्यादा मिली, जवानों को कम मिली, लेकिन ये थोड़े बैकफुट पे चले गए। यू गिव योर लाइफ फॉर दिस कंट्री एंड वी शुड पे अटेंशन टू इट, सो व्हाटएवर एफर्ट आई कैन गिव इन दिस आई एम गोइंग टू। मेरे पास डेलीगेशन आ रहे थे, फौज के डेलीगेशन, और अलग अलग लोगों से मेरी बातचीत हुई। जब आप घर जाओगे, आर्मी के बाद घर जाओगे, आपको कोई रोजगार नहीं मिलने वाला है, कोई रोजगार नहीं मिलने वाला है। यानी इन्होंने फ्रंट फुट पे आकर के आरोपी की वकालत करना शायद सही नहीं समझा कि वर्निंग वन पेंशन की विसंगतियों के लिए, क्योंकि ये आरोपी देने में खुद ही फेल थे, इनकी सरकार थी। इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को देकर, क्योंकि इन्हीं के शासन में इस तरीके का प्रस्ताव आया 2006 के अंदर जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और इन्होंने तब से ही एमएसपी के साथ भेदभाव कर रखा, तो जड़ भी शायद यही है। अब इन्होंने बात उठाई कि अग्निपथ योजना पर उठाए सवाल, पूछा क्या सैनिक की जिंदगी दूसरे से कम कीमती है। सैनिक की जिंदगी दूसरे से कम नहीं है, सैनिकों के साथ अंदर कोई ये अग्निवीर है या परमानेंट सोल्जर है, ना ही अलग कुकाउस है, ना ही कोई भेदभाव है। भेदभाव कर रहे हैं आप लोग जो राजनीति करके भेदभाव कर रहे हैं। सेना को ऊपर बाहर कोई अलग यूनिफॉर्म नहीं है, कुछ नहीं, सब एक जगह फॉलन, एक जगह खाना, एक जगह व्यवहार, वहां कोई नहीं बटा, अग्निवीर नहीं बटा, ना हिंदू बटा, ना मुस्लिम बटा, ना सिख बटा, कुछ नहीं बटा। बांटा तो आप लोगों ने अपनी इस रियासत पाने की जो सियासत है, इसके अंदर आपने सेना को घसीटाया। अब इन्होंने कहा, कांग्रेस नेता ने कहा कि नासिक में प्रशिक्षण के दौरान अग्निवीर गोहिल विश्वराज और सैफत की मौत का बहुत दुख है। इन्हें आगे कहा, यह घटना एक बार अग्निवीर योजना पर गंभीर सवाल खड़ती है। क्यों सवाल, क्या अग्निवीर न होता, दूसरे होते तब भी उनके साथ ऐसा ही होता। बात फिर रोजगार की करते हो तो जितने रिटायरमेंट होके सैनिक आए, आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं, जाकर के एटीएम के बाहर हैं, होटलों पे लगे, बेरोजगार हैं, 30-35 साल की उम्र में डिसेबल होके आए हैं,
तमाम ऐसी चीजें, लेकिन उनका आपने भविष्य का ख्याल नहीं रखा। सिर्फ अग्निवीर अंदर क्या कर रहा है और अग्निवीर बाहर आके क्या करेगा, भूखा मरेगा, बैंक डकैती करेगा, कुछ नहीं करेगा, बहुत सारे कर रहे हैं। आप लोग भी लगभग ये नेता हैं, ये भी डकैती के अलावा और ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, इनकी प्रॉपर्टी का उछाल इस आसमान के ऊपर पहुंच जाता है। यानी नासिक में प्रशिक्षण के दौरान जो हुआ, उन्होंने बहुत सारी संवेदनाएं व्यक्त की, सवाल उठाए, रक्षा मंत्री को जवाब देना चाहिए कि एक सैनिक की जिंदगी दूसरे से कीमती क्यों है। अब उसकी वैल्यू लगाई जा रही, आकलन किया जा रहा है कि इसको इसके परिवार को कितना पैसा बनेगा। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि इस अन्याय के खिलाफ एकजुट हो, आज ही हमारे जय जवान आंदोलन में शामिल हो, ताकि भाजपा सरकार की अग्निवीर योजनाओं को समाप्त किया जा सके और देश का भविष्य सुरक्षित किया जा सके। हाँ जी दोस्तों, आपका ये नारा हरियाणा में बुरी तरह गिरा, जहाँ पर पूरे फौजी थे, हरियाणा में ही आपके कर्नल चौधरी साहब थे, हरियाणा में आपने पूरी लॉबी लगा रखी थी, लेकिन रत्ती भर असर नहीं हुआ राजनीति के लिए। और पहलू आप समान पहलू करिए, हमने आपको बहुत सारे मुद्दे दिए, लेकिन आप इसकी परवाह करने से क्या होता है। दोस्तों अब मैं बात करूंगा, बड़ा प्यारा म्यूजिक होता है, बड़ा प्यारी कदमताल होती है, दिल भर जाता है। कौन थे बदलू राम का बदन? हाँ, ये जो गाना गाते हैं, तो दोस्तों बड़ी दिलचस्प कहानी है कि बदलू राम जिनका राशन खाती है सेना, जानिए उस बदलू राम की कहानी। बदलू राम का बदन जमीन के नीचे और हमको उसका राशन मिलता है, ये गीत का टाइटल है, बदलू राम का बदन जमीन के नीचे और हम उसका राशन मिलता है। हाँ जी दोस्तों, यह गीत सिर्फ असम रेजिमेंट का ही नहीं बल्कि हर किसी का फेवरेट है। सोशल मीडिया ने इस गीत को एक नई पहचान दिला दी है। अब ये सोशल मीडिया पे जबरदस्त वायरल हो रहा है, हमें भी पता नहीं था। तो हमने इसके बारे में खोजा, पढ़ा, तो बड़ा दिलचस्प है। इंडियन आर्मी के अक्सर कुछ ऐसे वीडियो जो होते हैं, सैनिक गाने पर डांस करते हैं। ये गाना बदलू राम का बदन, आसाम रेजिमेंट के अफसर जवान इसी गाने पर थिरकते हुए नजर आते हैं। आसाम रेजिमेंट सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। बदलू राम इस रेजिमेंट का एक मशहूर गीत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बदलू राम का राशन खाकर कई सैनिकों की जान बची थी। बदलू राम अब इस दुनिया में नहीं है, मगर उसका राशन और यह गीत अमर हो गया है। आखिर कौन था ये बदलू राम और जिसका राशन कैसे खाया? हाँ जी, बदलू राम का बदन जमीन के नीचे असम रेजिमेंट नहीं, यानी ये इसका कहने का मतलब है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर लीजेंड बदलू राम वर्ल्ड वार टू के समय असम रेजिमेंट के सैनिक थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके राशन ने 100 से ज्यादा जवानों की भूख मिटाई। जब जापान की सेना ने घेर लिया, उनकी राशन सप्लाई कट कर दी। कई दिनों तक इस जवान का जो एक्स्ट्रा राशन लिया था, आपको हैरानी होगी कि क्वार्टर मास्टर था, जब बदलू राम शहीद हो गए तो उसका नाम काटा नहीं, उस बदलू राम का राशन लेते रहे। जब लड़ाई में गए तो जब सप्लाई कट गई तो राशन खत्म हो गया, तो बदलू राम का जो राशन था वो राशन सेव्ड राशन में आ गया था और उस राशन से असम रेजिमेंट के जवानों को लड़ाई लड़ी और जिंदा रखा। तो उस दिन से ये गीत है और बदलू राम भी अमर हो गए, शहीद हो गए थे बदलू राम। युद्ध के समय जवान बदलू राम शहीद हो गए थे, लेकिन उसकी शहादत के बारे में किसी को जानकारी नहीं मिली। दोस्तों इसका नतीजा यह हुआ कि उनके हिस्से का राशन हमेशा आता रहा और इस वजह से अतिरिक्त राशन इकट्ठा हो गया। इसी बीच जापान की सेना ने असम रेजिमेंट को चारों ओर से घेर लिया, लॉजिस्टिक सपोर्ट की सप्लाई काट दी, लेकिन बदलू राम का जो भेजा गया राशन था वो उस दिन काम आया। यानी कई दिनों तक जो भूखे सैनिक थे उनको भरपेट रोटी मिलती रही। आज असम रेजिमेंट की 11 जो 22 बटालियन है, इस रेजिमेंट के ज़्यादातर जवानों की भर्ती नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से होती है। असम रेजिमेंट सेना की इन्फेंट्री रेजिमेंट है। बदलू राम का बदन इस रेजिमेंट का वह गीत है जो हर जगह मशहूर है। रेजिमेंट की पासिंग आउट परेड के दौरान जब नए सैनिकों की भर्ती है तो इसी गीत पर शिलोंग के रेजिमेंटल सेंटर पर जश्न मनाया जाता है।
कसम परेड के दौरान युवा सैनिक इस गाने के साथ अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। वर्ल्ड वार टू के समय देश में ब्रिटिश शासन था दोस्तों, यानी जवान बदलूराम अमर हो गया और उसका जो राशन जो क्वार्टर मास्टर था उसको पता नहीं चला कि ये बंदा शहीद है, उसका राशन लेते रहे और वो राशन सेव्ड राशन होकर के लड़ाई में यानी लोगों की जान बचाई। तो इसीलिए बदलू राम का बदन जमीन के नीचे, इसलिए आसाम रेजिमेंट। ये है सेना का अच्छा ट्रेडिशन, ये है सेना की खूबसूरती। सेना एक एक पल एक एक ट्रेडिशन को जीती है और यही है सेना की असली ताकत।